अब ये बच्चे पूछ सकते हैं कि गीता देने से क्या हो गया, गीता देने से क्या हुआ बताता हूं। भारत का एक फौजी जिसका नाम था अभिनंदन शर्मा, वो उधर रह गया, उधर की तरफ चला गया बेचारा, उसे पकड़ लिया और कहा कि कश्मीर पर निगोशिएट करो। एक फौजी पकड़ लिया, हमने 93,000 को रखा, 2 महीने तक रोटी खिलाई, हमने तो कोई बात नहीं। एक अभिनंदन को पकड़ के पूरी कौम पगला गई 20 करोड़ का, नहीं इसी पे बात करो तभी छोड़ेंगे। ये सब चल रहा था। गीता आपके घर में रखी हुई है, ये आपका संकट है कि गीता पढ़ने के बाद गीता का जो मेन करेक्टर है भगवान कृष्ण, उसको सनातनियों ने माखन चोर बना करके बेचा है। ये कृष्ण जी हैं माखन खा रहे हैं, दो ही बातें बताते हैं हम, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं कि कृष्ण जी माखन चोरी करते हैं और गोपियों के कपड़े ले जाते हैं पास। यही दो चरित्र हम इतने सालों में कृष्ण का समाज के बीच में लाते हैं। यही है कि नहीं है? तस्वीरें पोस्टर हैं, मतलब उसको अच्छे खासे आदमी को जो पुरुषार्थी था, जिसने अर्जुन जैसे आदमी को घंटों प्रवचन दे करके ये कहा कि तू युद्ध में खड़ा है, अगर इस युद्ध के उस तरफ तेरे अपने भी हैं तो वो अधर्म के साथ हैं, तू अगर मगर मत कर, अपना कर्तव्य पूरा कर, बाण उठा और अधर्मियों का नाश कर। उस कृष्ण को आपने माखन चोर बना, गोपियों के कपड़े लेके भाग रहा है, आपका बच्चा देख रहे, बताओ मुंडी उसमें महिलाएं बेचारी दिखा, तस्वीर भी पोस्टर भी बना दिए, क्योंकि आर्टिस्ट वहां बैठे हुए थे उस वक्त जब ये हो रहा था, पोस्टर भी बना दिए, वो बेचारी आती है ऐसी छुपाए बैठी हुई उनके, और वो गोपी कपड़े, क्या बनाया आपने यार। हर महान पुरुष को आपने अपने हिसाब से उसको टिमिड करेक्टर बना के बेच दिया। उस गीता के ज्ञान देने वाले कृष्ण की गीता अमेरिका से लेकर के जितने दुनिया के देश हैं हर भाषा में दिया है, सऊदी अरब वाले को अरबी में दिया, ध्यान रखिए। उसका असर क्या हुआ कि अभिनंदन को जब वो कह रहे थे इसे नहीं छोड़ेंगे कश्मीर में होगा, तब 7:30 बजे पाकिस्तान के हिसाब से आर्मी चीफ को बुलाया और आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आधे घंटे में इसे नहीं छोड़ेंगे तो जहां फोन करके मदद ले रहे हैं उन्होंने कहा है मैंने गीता पढ़ी है। उनको ये समझ में आ गया था कि जिस अंकल सैम के भरोसे अपने वो बाजू फहरा रहे थे वो भी गीता जानते थे, उन्होंने ही फोन करके कहा महामूर्खों ये गीता पढ़ के आया है। तब बाद में 3 दिन बाद भारतीयों को पता चला कि अभिनंदन जब वहां था और पक 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 कर रहे थे तब आपकी अग्नि मिसाइल स्टैंड बाई पे खड़ी थी, इसलिए 1 घंटे के बाद अभिनंदन हंसता हुआ अंदर आया। इसलिए आपके बदलाव से ऐसे बदलाव होते हैं, लेकिन इस ऐसे बदलाव से GST कम नहीं होती है। मैं बार बार आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूं, आप प्लीज आप यहां बैठे इसलिए आपके लिए नहीं कह रहा, मैं समग्रता में 10 साल 15 साल के लिए कसम खाओ, प्रण लो अगर सच में भारत माता कह के भारत माता से कोई रिश्ता है, प्रण करो कि अगले 10 साल तक इस देश का कोई नेता आपको खरीद ना सके। इतनी अपनी ताकत, इतनी अपनी मार्केट वैल्यू लगाओ कि एक भी दो कौड़ी का नेता आपको ना खरीदे। और वो कहेंगे कोई भी बिक सकता है लेकिन सनातनी नहीं बिक सकता, आपको हर चौराहे पे योगी हर चौराहे पे मोदी मिल जाएंगे। ये तय करके निकलिए अगर आप आज के मन में हैं और आपने सभा की है और भारत विकास परिषद लगातार ये काम कर रहा है। ये मुझे बुलाते हैं जलगांव में 3-3.5 घंटे तक बोला, तब वहां के किसी ऑर्गेनाइजर ने कहा सर पुलिस वाले कह रहे हैं मजा तो हमें भी आ रहा है लेकिन इसे बंद करना पड़ेगा। बोले हमें ही नहीं पता है कि कितनी बातें आती। मैंने कहा उनसे को 10-15 मिनट और छोड़ दो,
मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूं, आप जिस चीज का सोच रहे हैं ऐसा होगा, हो चुका है। 29 राज्यों में से 9 में आप है नहीं, बाकी के राज्यों में आपकी हालत यह है कि आप छोड़ के रह रहे हैं, चुप रह के रह। इंडियन स्टेट इज ऑलरेडी बिकम ए इस्लामिक स्टेट, और इतने बेहयाई के साथ संसद में ऐसे काम हुए हैं कि जो आपको पता नहीं है। जिस वक्फ बोर्ड की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, मुझे नहीं तो कम से कम नहीं तो हर सभा में आसान शब्दों में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में ये क्या बला है, कहां से आई है, समझाने की कोशिश किया। लेकिन एक विश्वास जरूर हो गया है कि आप अपनी बात कहते रहिए, कहते रहिए, सही समय पे सही लोग सही काम कर देंगे।